दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे देश में गरीबी के चलते कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे जाके जलील होना पड़ता है, और वो जो काम करते हैं जिसकी वजह से उन्हें जलील होना पड़ता है वो काम इतना भी बुरा नहीं होता, और वो लोग जो भी करते हैं सिर्फ अपना परिवार का पेट पालने के लिए करते हैं। इसी के चलते वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी जिल्लत सहनी पड़ती है। तो यार, आज आपको मैं कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स बताने वाला हूँ जिसके अंदर यार जो गरीब अपना परिवार का पेट पालने के लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी जिल्लत सहनी पड़ती है और बहुत सारी बेइज्जती अपनी करानी पड़ती है। नंबर वन, दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक इंसान बहुत सारी टोपी पहने और जुब्बा पहने हुए लोगों को डांट रहा है, और इन लोगों को देखकर आप कौन पर सिंपैथी भी आएगी। लेकिन दोस्तों एक मिनट रुकिए, ये जो जुब्बा पहने हुए और टोपी पहने हुए लोग हैं ना, ये मुसलमान नहीं है और ये सिर्फ मुसलमान बनने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस नाटक को करने के पीछे उनकी भी कोई मजबूरी है। दोस्तों बहुत सारे गरीब ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी के चलते जुब्बा और टोपी पहनकर जुमा के दिन किसी मस्जिद के सामने जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिन का दो वक्त का या तीन वक्त का खाना मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी गरीबों पर आँख बंद कर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बेवड़े भी होते हैं जो सिर्फ अपना तेल निकालने के लिए आते हैं। और दोस्तों कुछ देर इन काका ने इन गरीबों को लेक्चर देने के बाद कुछ काम करो यार, कुछ नौकरी करो, जिंदगी में कुछ बड़ा करो कहकर बोलकर इन लोगों को छोड़ दिया। नंबर टू, दोस्तों आप जो इस हट्टे खट्टे इंसान को वीडियो के अंदर देख रहे हो उससे पूछताछ की जा रही है और उसका नाम पता पूछा जा रहा है, तो चलिए दोस्तों हम भी इसका नाम पता थोड़ा जान लेते हैं। जोर से बोलो। प्रकाश। पूरा नाम बताओ, आधार पे तो आधार लिखा है, पूरा नाम बताओ। हाँ, प्रकाश राम सचित। बाप का क्या नाम है? राम सचित। इससे पहले क्या नाम बताया था? जोर से बताओ, क्या बताया था? मुश्ताक। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हमें लिटरली लगता है कि यार ये बंदा तो खुल्लम खुल्ला सबको ठग रहा है। अरे भाई, ये तो मुझे जॉली एलएलबी 2 का सीन लग रहा है। तुम्हारा असली नाम क्या बताओ? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। चलो छोड़ इसे, इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, दोस्तों इस वीडियो को देख के ना लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों ये आदमी इस बूढ़े की दाढ़ी पकड़ कर उससे इस तरह के सवाल कर रहा है ना कि मानो यार इस सवालात के बाद बेचारे बूढ़े का गला उड़ा देगा। और दोस्तों ये इंसान इन बूढ़ा बूढ़ी से किस तरह के एक्सेंट में सवाल कर रहा है, आप भी थोड़ा सुन के देख लो। पन्ना लाल, बाप का नाम रामा सरे, और ये दाढ़ी देखिए, और ये पगड़ी देखिए, और ये लिबास देखिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगा, अरे वो नारंगी टी शर्ट पहने हुए मानुस बेचारे बुड्ढे की दाढ़ी और उसके लिबास के बारे में बात कर रहा है, तू पहले जाके अपने कोयते जैसी मुच्छी कटा के आ। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो बूढ़े गरीब मिलते हैं यार उनकी थोड़ी सी इज्जत कर लो यार, तुम तो इतने पैसे कमाते हो, उन्हें तुम अपने पैसे नहीं दे सकते तो यार दिन के तीन वक्त का खाना तो खिला दो। और दोस्तों हम दूसरी तरफ बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड गरीब हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, इन जैसे लोगों को हमें जल्द से जल्द पकड़ कर सबक सिखाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे जाके ज़रूर कमेंट करना, और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।